हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे अगस्त करंट अफेयर 2020 से टॉप 240 एमसीक्यू का एक सेट पेपर। दोस्तों, ये अगस्त करंट अफेयर 20 के लिए मास्टर वीडियो साबित होगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट डिटेल भी आज बताऊंगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। दोस्तों, क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए क्लास को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाबकर ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दिया है? इसका सही आंसर है दोस्तों माली, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, इब्राहिम बाबकर ये माली के राष्ट्रपति थे और अब इन्होंने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, इन्होंने 2018 में हुए चुनावों में दूसरी बार जीत हासिल की थी। बात करते हैं माली गणराज्य की, तो माली गणराज्य की राजधानी है बमाको, बमाको। और यहाँ की मुद्रा है बेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक, बेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के मंडुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में मंडुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। दोस्तों, अब इसका नाम बदलकर नया नाम रखा गया है बनारस रेलवे स्टेशन। याद रखिएगा, इससे पहले मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पेमेंट बैंक ने डिजिटल जन बचत खाता लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों फिनो पेमेंट बैंक, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, फिनो पेमेंट बैंक ने डिजिटल जन बचत खाता लॉन्च किया है। दोस्तों, हम बात करते हैं फिनो पेमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना की गई 13 जुलाई 2006 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और है इसके बारे में, याद रखिएगा, यह डिजिटल बचत खाता आपके आधार कार्ड एवं फिंगरप्रिंट से आपके मोबाइल में भी खुल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने आईपीएल 2020 के शीर्षक प्रायोजन का अधिकार हासिल किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ड्रीम इलेवन, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में ड्रीम इलेवन ने आईपीएल 2020 का शीर्षक प्रायोजन अधिकार जीत लिया है, यानी कि टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स, टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट। दोस्तों, ड्रीम इलेवन ने इसे 222 करोड़ रुपए में खरीदा है। याद रखिएगा, ड्रीम इलेवन ये एक गेमिंग स्टार्टअप है और इसके संस्थापक इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, ड्रीम इलेवन के संस्थापक हैं हर्ष जैन और भावित सेठ, भावित सेठ। किस आईआईटी में लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों खड़गपुर, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में आईआईटी खड़गपुर में लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, आईआईटी खड़गपुर में संगीत, ललित कला एवं अन्य प्रदर्शन कलाओं पर प्रशिक्षण देने के लिए इसका उद्घाटन किया गया। अगस्त 2020 में रसेल क्रिस का निधन हुआ, वे कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका सही आंसर है वैज्ञानिक। तो दोस्तों, याद रखिएगा, प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक रसेल क्रिस का निधन हो गया है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्यों है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा, ये पिक्सल का आविष्कार करने वाले और दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने वाले वैज्ञानिक थे। किस बैंक ने अपने बचत खाता ग्राहकों के लिए एसएमएस शुल्क माफ किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों SBI, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सभी बचत खाता ग्राहकों के लिए एसएमएस शुल्क को माफ कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया?
इसका सही आंसर है दोस्तों भारतीय रेलवे। याद रखिएगा भारतीय रेलवे ने ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली को शुरू किया है। दोस्तों रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे सुरक्षा के उद्देश्य से बड़ी संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। ARIIA 2020 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? इसका सही आंसर है दोस्तों IIT मद्रास। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में IIT मद्रास ARIIA 2020 रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। दोस्तों दूसरे स्थान पर है IIT मुंबई और तीसरा स्थान मिला IIT दिल्ली को। अगस्त 2020 में एंजेला बक्सटन का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों टेनिस खिलाड़ी, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा पूर्व ब्रिटिश टेनिस प्लेयर एंजेला बक्सटन का निधन हो गया है। दोस्तों याद रखिएगा ये ब्रिटिश टेनिस की प्लेयर थी, ये ब्रिटिश टेनिस की प्लेयर थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने के लिए सुविधा जिसका नाम है LBV डिजी गो का शुभारंभ किया? इसका सही आंसर है दोस्तों लक्ष्मी विलास बैंक, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा बैंक की नई पहल से लोगों को वेबसाइट के माध्यम से जरूरी बैंकिंग सेवाओं का तुरंत लाभ उठाने में मदद मिलेगी। किसने भारत में कोरोमो ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों गूगल, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा गूगल ने भारत में कोरोमो जॉब्स नाम से एक अपनी रोजगार ऐप लॉन्च की है। दोस्तों यह ऐप लाखों भारतीयों को शुरुआती स्तर की नौकरियां प्राप्त करने में मदद करेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? इसका सही आंसर है दोस्तों इंदौर, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा वर्ष 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है, जिसमें इंदौर लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने का दर्जा बनाए रखे हुए हैं दोस्तों। और दूसरे स्थान पर रहा सूरत और तीसरे स्थान पर है नवी मुंबई। किस बैंक ने विशेष सुविधा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज शुरू की है? इसका सही आंसर है दोस्तों यस बैंक, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा यस बैंक के द्वारा अपने लोन इन सेकंड्स प्लेटफॉर्म के तहत एक विशेष डिजिटल सुविधा शुरू की है, जिसका नाम है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। दोस्तों इसमें ग्राहक अपनी सिक्योरिटी को बेचने के बजाय केवल गिरवी रखकर लोन ले सकेंगे। पोस्ट COVID-19 फॉलो अप क्लिनिक कहां शुरू किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका सही आंसर है तमिलनाडु। याद रखिएगा तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग ने चेन्नई में पोस्ट COVID-19 फॉलो अप क्लिनिक शुरू किया है। दोस्तों यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं और बाद में अन्य बीमारियों से पीड़ित होते हैं। PM स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा PM स्वनिधि योजना, आप इसे प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना भी कह सकते हैं, के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है। दोस्तों इस योजना में स्ट्रीट वेंडर्स को ₹10,000 का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया है। अगस्त 2020 में राष्ट्रकवि माधव प्रसाद गिमिरे का निधन हुआ, वे किस देश के थे? इसका सही आंसर है दोस्तों नेपाल, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा इनका नाम है राष्ट्रकवि माधव प्रसाद गिमिरे, ये नेपाल के थे और अब इनका निधन हो गया है। दोस्तों ये नेपाल के राष्ट्रकवि थे। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जैविक किसानों की संख्या के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर है दोस्तों भारत, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जैविक किसान अपने देश भारत में हैं। दोस्तों जैविक किसानों की संख्या के मामले में हमारा देश भारत शीर्ष स्थान पर रहा है। डकर फ्रांसिस्को अशु को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों इक्वेटोरियल गिनी, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में इक्वेटोरियल गिनी के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं डकर फ्रांसिस्को अशु। दोस्तों इक्वेटोरियल गिनी ये एक अफ्रीकन देश है, और याद रखिएगा
इक्वेटोरियल गिनी एक अफ्रीकन देश है और इसकी राजधानी है मालाबो। मालाबो और यहाँ की मुद्रा है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। एडीबी की रिपोर्ट्स के अनुसार 2020 में कितने मिलियन युवा नौकरी खोज सकते हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों 6.1 यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा एडीबी और आईएलओ यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने मिलकर एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि 2020 में अगर भारत को कोविड-19 समाप्त करने में सितंबर तक 6 महीने लगते हैं तो 6.1 मिलियन युवा अपनी नौकरी खोज सकते हैं। एनआरए परीक्षा के स्कोर के आधार पर नौकरी देने की पेशकश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका सही आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा मध्य प्रदेश एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, आप इसे हिंदी में कह सकते हैं राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, परीक्षा स्कोर के आधार पर युवाओं को सरकारी नौकरी की पेशकश करने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। दोस्तों ऐसा निर्णय लेने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। कोविड-19 से संबंधित द कोरोना फाइटर्स गेम किसने लॉन्च की? इसका सही आंसर है दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। याद रखिएगा इस गेम को वास्तविक दुनिया में लोगों के कार्यों को प्रभावित करने, उन्हें सही सावधानी बरतने व संक्रमण से बचाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। अगस्त 2020 में गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों क्रिकेटर यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों किशोर रुंगटा को यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा किशोर रुंगटा को फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के दक्षिण क्षेत्र का, याद रखिएगा दक्षिण क्षेत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसने लेबर ब्यूरो के आधिकारिक लोगो को लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों संतोष कुमार गंगवार यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा संतोष कुमार गंगवार ये हमारे वर्तमान श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री हैं। किसने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों HSBC इंडिया यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा इसे विशेष रूप से कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए लॉन्च किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़ यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ इस बार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। और दोस्तों याद रखिएगा इंदौर को लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन बना? इसका सही आंसर है दोस्तों आईनोक्स यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में आईनोक्स ग्रुप टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर बना है। और दोस्तों साथ ही साथ ड्रीम इलेवन ने आईपीएल 2020 का स्पॉन्सर टाइटल जीता है। कौन त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों कीथ रो बले यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा कीथ रो बले त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन और यहाँ की मुद्रा है त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर। किस राज्य सरकार ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस द्वारा राज्य में कोरोना महामारी के दौरान एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान को चलाया जा रहा है। किसने हरित पथ नामक मोबाइल ऐप विकसित की है? इसका सही आंसर है दोस्तों NHAI यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हरित पथ नाम की एक मोबाइल ऐप विकसित की है। ये ऐप राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए है।
विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका सही आंसर है रोनी ओसुलिवन, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इन्होंने की रेन बिल्सन को हराकर इस चैंपियनशिप को जीता। किसने इंडिया टुमारो कन्वर्जेंस विथ द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स नामक पुस्तक लिखी है? इसका सही आंसर है दोस्तों प्रदीप छिब्बर, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका सही आंसर है राजीव कुमार, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, राजीव कुमार को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों उनकी नियुक्ति अशोक लवासा के स्थान पर की गई है। याद रखिएगा, राजीव जी झारखंड कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों चेतन भगत, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, इस किताब का नाम है वन अरेंज्ड मर्डर, और इसके लेखक हैं चेतन भगत। USISPF ने 2020 के लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया? इसका सही आंसर है दोस्तों आनंद महिंद्रा, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इन्हें US भारत द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया है। किस बैंक ने अश्विनी भाटिया को MD नियुक्त किया? इसका सही आंसर है दोस्तों SBI, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अश्विनी भाटिया को नया MD नियुक्त किया है। दोस्तों बात करते हैं SBI की, तो इसकी स्थापना की गई 1955 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। किसने डोमिनिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? इसका सही आंसर है दोस्तों लुइस रोडोल्फ एविनेडर, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में लुइस रोडोल्फ एविनेडर ने डोमिनिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। दोस्तों बात करते हैं डोमिनिक गणराज्य की, तो इसकी राजधानी है सेंटो डोमिंगो, और यहाँ की मुद्रा है डोमिनिक पीसो। अगस्त 2020 में भास्कर मेथी का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों फुटबॉलर, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, भास्कर मेथी ये भारत के पूर्व फुटबॉलर थे, और अभी इनका निधन हो गया है। कहाँ नुआखाई फसल उत्सव मनाया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, उड़ीसा में नुआखाई फसल उत्सव मनाया गया है। दोस्तों यह उत्सव मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। याद रखिएगा, इसे झारखंड के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है। किसे ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों उपर्युक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पाकिस्तान के बल्लेबाज जहीर अब्बास, और दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक कालिस, तथा पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान लीसा स्टालेकर को ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। भारत के सबसे लंबे नदी रूपवे का उद्घाटन कहाँ हुआ? इसका सही आंसर है दोस्तों असम, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, असम में भारत के सबसे लंबे नदी रूपवे का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों यह रूपवे कुल 1.8 किलोमीटर लंबा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ेगा। किसने गीग ए अपॉर्चुनिटी नामक भर्ती पहल की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है दोस्तों एक्सिस बैंक, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, इसमें एक्सिस बैंक ऐसे लोगों को हायर करेगा और ऐसे कुशल यानी कि स्किल्ड लोगों को हायर करेगा जो बैंकिंग का काम दूर दराज के क्षेत्रों में बैठकर भी कर सकते हैं। बात करते हैं एक्सिस बैंक की, तो उसकी स्थापना की गई 1993 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। DRDO प्रमुख, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, DRDO के प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है?
इसका सही आंसर है दोस्तों 2 साल, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा डीआरडीओ के प्रमुख हैं जी सतीश रेड्डी और इनका कार्यकाल अब 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बात करते हैं डीआरडीओ की, तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली। सतपाल सिंह सती को किस राज्य के वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के पूर्व बीजेपी नेता सतपाल सिंह सती को हिमाचल प्रदेश के वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में किस लघु फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? इसका सही आंसर है दोस्तों अभिलाष, यानी कि ऑप्शन ए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने NRI एकीकृत पोर्टल को लॉन्च किया है। दोस्तों यह पोर्टल उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा और विदेश जाने वाले लोगों की मदद के लिए लॉन्च किया गया है। पुस्तक हु पेंटेड माई लस्ट रेड किसने लिखी है? इसका सही आंसर है दोस्तों श्री अय्यर, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा हु पेंटेड माई लस्ट रेड के लेखक हैं श्री अय्यर। किसने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च की? इसका सही आंसर है दोस्तों टाटा समूह, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा टाटा समूह ने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप नाम की एक ऐप को लॉन्च किया है। किस देश के क्रिकेटर कैमरन व्हाइट ने संन्यास की घोषणा की? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन व्हाइट ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस देश की गोल्फर सोफिया पापोव ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 जीता है? इसका सही आंसर है दोस्तों जर्मनी, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा सोफिया पापोव ये जर्मनी की एक गोल्फर हैं और इन्होंने अभी हाल ही में महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 52, मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? इसका सही आंसर है दोस्तों तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर रहा है। किस देश की टेबल टेनिस खिलाड़ी पोलोमी घटक ने संन्यास की घोषणा की? इसका आंसर है दोस्तों भारत, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा भारतीय टेबल टेनिस स्टार पोलोमी घटक ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। दोस्तों इन्होंने 2006 राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता तथा 2007 में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कांस्य पदक और साथ ही साथ सन 2010 में कॉमनवेल्थ में रजत पदक इन्होंने जीता था। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसोवा का निधन हुआ है? इसका सही आंसर है दोस्तों कांगो, यानी कि ऑप्शन सी। किसने सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? इसका सही आंसर है दोस्तों SBI जनरल इंश्योरेंस, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा SBI जनरल इंश्योरेंस ने सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस नामक अपनी तरह का पहला एक बीमा उत्पाद लॉन्च किया है दोस्तों, जो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का एक अनूठा उपहार है। मनिका बत्रा ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है, वे किस खेल से संबंधित हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों टेबल टेनिस, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई, जिसमें मनिका बत्रा ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है और दोस्तों ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। पुस्तक ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज किसने लिखी है? इसका सही आंसर है दोस्तों सुधा मूर्ति, यानी कि ऑप्शन सी। किस राज्य ने थुम्बी महोत्सव 2020 के नाम से ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल मनाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका सही आंसर है केरल, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में केरल ने थुम्बी महोत्सव 2020 के नाम से केरल का पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल मनाया है।
किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा की शुरुआत की? इसका सही आंसर है दोस्तों एक्सिस बैंक, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, एक्सिस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा की शुरुआत की है, जो कि पूरी तरह से डिजिटल होगी। दोस्तों, प्रति वर्ष 20,000 रुपए के अस्पताल नकद बीमा कवर इसमें प्रदान किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पुस्तक क्रिकेट ड्रोना किसने लिखी है? इसका सही आंसर है दोस्तों आनंद बासु, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, आनंद बासु ये एक क्रिकेट पत्रकार हैं। दोस्तों, यह पुस्तक प्रसिद्ध कोच वासुदेव जगन्नाथ परनजंपे पर आधारित है। दोस्तों, इस किताब में सुनील गावस्कर, तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा जैसे क्रिकेटरों के कैरियर को आगे बढ़ाने में परनजंपे, यानी कि वासुदेव जगन्नाथ परनजंपे के प्रभाव के बारे में बताया गया है। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रीपेडेंस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? इसका सही आंसर है दोस्तों गुजरात, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इस इंडेक्स में भारतीय राज्यों की निर्यात तैयारी व प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया और इस इंडेक्स में दूसरे स्थान पर रहा महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। किसे SBI म्यूचुअल फंड का MD एंड CEO नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों विनय टोन्स, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इन्होंने अश्विनी भाटिया का स्थान लिया है। किस कंपनी के CEO केविन मेयर ने इस्तीफा दिया है? इसका सही आंसर है दोस्तों टिकटॉक, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में टिकटॉक के CEO केविन मेयर ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका सही आंसर है उपर्युक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में डेनमार्क व स्वीडन दोनों ही टॉप पर रहे हैं संयुक्त रूप से। और दोस्तों, बात करें अपने देश भारत की, तो हमारा देश भारत इस इंडेक्स में 57वें स्थान पर रहा, यानी कि 57। किस स्टील कंपनी ने फेरो हार्ट नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों टाटा स्टील, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, टाटा स्टील ने फेरो हार्ट नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और दोस्तों, क्यों किया है? तो याद रखिएगा, जब टाटा स्टील व्यापारियों के स्क्रैप स्टील को खरीदेगा तो उस पर निगरानी रखने के लिए है ये ऐप। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं। याद रखिएगा, पहले तेज गेंदबाज बने हैं, वे किस देश के हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों इंग्लैंड, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा दोस्तों, जेम्स एंडरसन ये इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं और ये टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले ये चौथे गेंदबाज हैं। याद रखिएगा, टेस्ट क्रिकेट में ये 600 विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज हैं। और यदि हम बात करें कि तेज गेंदबाज, यदि हम बोलेंगे तेज गेंदबाज, तो ये पहले हैं। इससे पहले मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न और अनिल कुंबले, ये तीन लोग ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लिए हैं, लेकिन ये तीनों ही स्पिनर हैं और जेम्स एंडरसन ये तेज गेंदबाज हैं। भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसका सही आंसर है दोस्तों डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद, या सॉरी दोस्तों डॉक्टर एस जयशंकर, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक व तकनीकी सहयोग पर भारत व वियतनाम के बीच एक संयुक्त बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। इसमें भारत की ओर से हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रतिनिधित्व किया। किस राज्य ने इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020 जीता है? इसका सही आंसर है दोस्तों तेलंगाना, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, तेलंगाना ने इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020 जीता है। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है दोस्तों उपर्युक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों,
माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। याद रखिएगा, इन्होंने 4 ग्रैंड स्लैम जीते और 9 बार एटीपी मास्टर्स खिताब को अपने नाम किया। साथ ही साथ ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भी ये दोनों रहे। अगस्त 2020 में अर्नोल्ड स्पिलबर्ग का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों कंप्यूटर इंजीनियर, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, अर्नोल्ड स्पिलबर्ग ये एक कंप्यूटर वैज्ञानिक थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। दोस्तों थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 71 को मैंने वीडियो के लास्ट में रखा है। तो जब तक हम क्वेश्चन नंबर 72 को कवर करते हैं, पुस्तक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव का विमोचन किसने किया? इसका सही आंसर है दोस्तों जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव का विमोचन किया है। दोस्तों याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय सुरक्षा पर लिखी गई एक किताब है। एनसीसी कैडेटों के लिए DGNC नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों राजनाथ सिंह, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी कैडेटों के लिए DGNCC नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। दोस्तों याद रखिएगा, DGNCC को लॉन्च किया है। दोस्तों यह ऐप एनसीसी कैडेटों को ऑनलाइन प्रशिक्षण में सहायता करेगा। किस बैंक ने ग्राहकों को के डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एडोबी के साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर है दोस्तों HDFC बैंक, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, HDFC बैंक, इसकी स्थापना की गई 1994 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। 500 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों ड्वेन ब्रावो, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोस्तों, वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो 500 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। सॉरी दोस्तों, 500 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। याद रखिएगा, यह उपलब्धि इन्होंने CPL मैच के दौरान हासिल की। CPL यानी कि कैरेबियन प्रीमियर लीग। दोस्तों साथ ही साथ आपको याद रखना है, CPL में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं प्रवीण तांबे। 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका सही आंसर है मैरी के लुकासा रिजेंटविल्ड ने, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इन्हें इनके उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए चुना गया। विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, अभी हाल ही में नई दिल्ली में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। दोस्तों राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद द्वारा इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक रनिंग टुवर्ड्स मिस्ट्री द एडवेंचर ऑफ एन अनकन्वेंशनल लाइफ किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों तेन जिन प्रियदर्शी, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस किताब का नाम और इसके लेखक हैं तेन जिन प्रियदर्शी। वरिष्ठ IAS अधिकारी ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ये 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं और ये उत्पल कुमार सिंह का स्थान लेंगे। 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में किसे शामिल किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों वीरेंद्र सहवाग को, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं के चयन समिति में पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को शामिल किया गया।
हमीद बाकायको किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? इसका सही आंसर है दोस्तों आइवरी कोस्ट, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने हैं हमीद बाकायको, याद रखिएगा आइवरी कोस्ट। इसकी राजधानी है दोस्तों यामो सुक्रो, यामो सुक्रो। किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया? इसका सही आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा यह अभियान कोविड 19 महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हुआ है? इसका सही आंसर है दोस्तों ताइवान, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इन्हें यानी कि ली तेंग हुई, इन्हें ताइवान के लोकतंत्र का जनक माना जाता था। राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों शिव प्रताप शुक्ला, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों ये बीजेपी के सांसद हैं, शिव प्रताप शुक्ला ये बीजेपी के सांसद हैं। किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों जनजातीय कार्य मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा आदिवासियों के सशक्तिकरण की वजह से जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता की? इसका सही आंसर है दोस्तों रूस, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा इस बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों आशीष भाटिया, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा वे यानी कि आशीष भाटिया शिवानंद झा की जगह लेंगे। हरियाणा सरकार ने अपने खेल एवं युवा मामलों के विभाग के उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? इसका सही आंसर है दोस्तों उपर्युक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा कविता देवी ये कबड्डी की खिलाड़ी हैं और बबीता फोगाट ये अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं, और इन दोनों को ही हरियाणा सरकार ने अपने खेल और युवा मामलों के विभाग में उप निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। किसने पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक mpay.me लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों मूवी क्विक, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों जो कि यूजर्स को किसी भी यूपीआई पेमेंट ऐप से पैसे भेजने व प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। बात करते हैं मूवी क्विक की, तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों हार्दिक सतीश चंद्र साहा, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा हार्दिक 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और ये अब तक प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के पद पर थे। अनिल मुरली का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों अभिनेता, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा अनिल मुरली ये एक मलयालम अभिनेता थे। पद्मश्री से सम्मानित सोनम सेरिंग लेपचा का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों लोक संगीतकार, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा ये पश्चिम बंगाल के थे, कहां के? पश्चिम बंगाल के, और ये पद्मश्री से सम्मानित थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। घरेलू क्रिकेट टीम के किस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? इसका सही आंसर है दोस्तों रजत भाटिया, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा रजत भाटिया 2012 में कोलकाता नाइट राइडर्स की खिताब जीतने वाली आईपीएल टीम के हिस्सा थे। किसने लेड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका सही आंसर है यूनिसेफ, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा इस रिपोर्ट में यह सामने आया है कि हर 3 बच्चों में से एक बच्चे के ब्लड में 5 माइक्रोग्राम या उससे ज्यादा लेड है। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
इसका सही आंसर है दोस्तों उर्जित पटेल, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद अभियान शुरू किया? इसका सही आंसर है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा अपने ग्राहकों में आशा व विश्वास कायम रखने के लिए एक नए ऑफर व भारी छूट वाले 2 महीने लंबे अभियान जिसका नाम है कोना कोना उम्मीद को शुरू करने की घोषणा की है कोटक महिंद्रा बैंक ने। दोस्तों बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की, तो इसकी स्थापना की गई 2003 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र, और इसका टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रोबीना एसटी दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनी हैं, वे किस देश की हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों अमेरिका। याद रखिएगा रोबीना ये 99 वर्ष की हैं, कितने वर्ष की? 99 वर्ष की। किस कंपनी ने केतन पटेल को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों एचपी, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा एचपी ये एक कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप की कंपनी है। किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ पेड़ लगाए गए, दोस्तों 1 घंटे में 240 स्थानों पर इन्हें एक साथ लगाया गया। किस राज्य सरकार ने अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा इसमें जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं उनको फायर प्रूफ का एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। अब इसी को उड़ीसा सरकार ने ऑनलाइन देने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन बना? इसका सही आंसर है दोस्तों यूएई, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों इसे अबू धाबी में लगाया गया है और इसकी क्षमता है 5.6 गीगावाट। ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों मैथ्यू मैकोनागी। दोस्तों ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती? इसका सही आंसर है दोस्तों लुइस हैमिल्टन, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बने? इसका सही आंसर है दोस्तों वीआर चौधरी, यानी कि ऑप्शन बी। कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एडीबी ने भारत को कितने मिलियन डॉलर के अनुदान की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है दोस्तों 3, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना की गई 1966 में, मुख्यालय मनीला फिलीपींस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा उत्तराखंड में गढ़वाल की पहाड़ियों को देहरादून से जोड़ने के लिए पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया गया है। इसके लिए पवन हंस लिमिटेड के हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया। किसने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों पुणे विश्वविद्यालय, यानी कि ऑप्शन डी। कौन पेटीएम मनी के नए सीईओ बने हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों वरुण श्रीधर, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा वरुण श्रीधर ने प्रवीण जाधव का स्थान लिया है। सीवर मेन होल की सफाई के लिए बैंडीकूट नामक रोबोट कहां तैनात किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों गुवाहाटी, यानी कि ऑप्शन डी। किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत जरूरी नामक अभियान शुरू किया है?
इसका सही आंसर है दोस्तों भारती एक्सा यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा किसानों के लिए अपनी उपज सुरक्षा व वित्तीय सुरक्षा के बारे में है ये बहुत जरूरी अभियान। किस मंत्रालय का नाम बदला गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इसका सही आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा अब इसका नया नाम कर दिया गया है दोस्तों शिक्षा मंत्रालय। साथ ही साथ नई शिक्षा नीति 2020 भी जारी की गई। दोस्तों याद रखिएगा अब तक जो हमारे MHRD मिनिस्टर थे रमेश पोखरियाल निशंक अब ये शिक्षा मंत्री कहे जाएंगे। किस देश ने जरकॉन मिसाइल को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, सफलतापूर्वक परीक्षण किया, इसका सही आंसर है दोस्तों रूस यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा रूस ने जरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। IRCTC ने किसके साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, इसका सही आंसर है दोस्तों SBI कार्ड यानी कि ऑप्शन ए। किसने टाइगर सेशंस रिपोर्ट जारी की है, इसका सही आंसर है दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा हमारे वर्तमान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। दोस्तों याद रखिएगा इस रिपोर्ट में यानी कि इस रिपोर्ट में क्या आया है, तो याद रखिएगा देश में अब विश्व के बाघों की आबादी का लगभग 70% भारत में है। किसने प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इसका सही आंसर है जेमी वर्डी यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा जेमी वर्डी ने प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड को जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों किस शहर के चौराहे का नाम लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है, इसका सही आंसर है दोस्तों लखनऊ यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा लखनऊ के चौक चौराहे का नाम मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है। दोस्तों अब इसे लालजी टंडन चौराहे के नाम से जाना जाएगा और याद रखिएगा साथ ही साथ लखनऊ हरदोई रोड लखनऊ हरदोई रोड को टंडन मार्ग के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों लालजी टंडन ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे और अभी इनका निधन हो गया है। किसने क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर बिरल आचार्य यानी कि ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आदित्य यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका जिसका नाम है आदित्य ने गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है। मोहम्मद इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया, इसका सही आंसर है दोस्तों गोयाना यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों गोयाना इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन और यहाँ की मुद्रा है गोइनिस डॉलर। पुस्तक सियासत में सदस्यता का विमोचन किसने किया, इसका सही आंसर है दोस्तों नीतीश कुमार यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सियासत में सदस्यता नामक बुक को लॉन्च किया है दोस्तों और इस किताब के लेखक हैं विजय कुमार चौधरी। दोस्तों याद रखिएगा विजय कुमार चौधरी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। शशिधर जगदीशन किस बैंक के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं, इसका सही आंसर है दोस्तों HDFC बैंक यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा ये आदित्यपुरी की जगह लेंगे। बात करते हैं HDFC बैंक की, तो इसकी स्थापना की गई 1994 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। किस देश के फुटबॉलर बने डिकट होवे डस ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की, इसका सही आंसर है दोस्तों जर्मनी यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा बने डिकट होवे डस वे यानी कि ये 2014 की विश्व कप जीतने वाली जर्मनी टीम के हिस्सा थे। किस देश ने महिलाओं की विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप से हटने का फैसला किया,
इसका सही आंसर है दोस्तों भारत, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा ऐसा क्यों किया गया दोस्तों, तो आपको याद रखना है भारत ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भारतीय टीम की तैयारी पूरी यानी कि प्रिपरेशन पूरी ना होने के कारण उन्होंने महिलाओं की विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप से हटने का फैसला किया। किसने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार संभाला है? इसका सही आंसर है दोस्तों जयदीप भटनागर, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा जयदीप भटनागर ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार संभाला है। गुयाना के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों मार्क फिलिप्स, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों ये गुयाना के रक्षा बल के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ थे और अब ये गुयाना के प्रधानमंत्री बने हैं। जुलाई 2020 में इब्राहिम अल काजी का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों अभिनेता, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा इब्राहिम अल काजी ये एक अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया है दोस्तों। वे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निदेशक थे। पुस्तक विशेष कोड टू बिन के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों निरुपमा यादव, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा विशेष कोड टू बिन को लिखा है निरुपमा यादव ने दोस्तों। निरुपमा यादव ये स्पोर्ट्स वुमेन लेखिका हैं। जुलाई 2020 में शिवाजी राव पाटिल निलांगेकर का निधन हुआ, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? इसका सही आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन बी। किसने खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता की? इसका सही आंसर है दोस्तों किरेन रिजिजू, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा किरेन रिजिजू हमारे वर्तमान खेल मंत्री हैं। किस देश के फुटबॉलर इकर कैसिलास ने संन्यास की घोषणा की है? इसका सही आंसर है दोस्तों स्पेन, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा ये एक गोलकीपर थे। किस बैंक ने स्वचालित वॉइस असिस्टेंट एक्सा लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों एक्सिस बैंक, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने स्वचालित वॉइस असिस्टेंट एक्सा को लॉन्च किया है। सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल कितने महीने बढ़ाया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों 18 महीने, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा अजय त्यागी ये वर्तमान में सेवी के चेयरमैन हैं और अब इनके कार्यकाल को 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। बात करते हैं सेवी की, तो इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगस्त 2020 में विलियम किर्क इंग्लिस का निधन हुआ, वे कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका सही आंसर है वैज्ञानिक, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों विलियम किर्क इंग्लिस ये एक वैज्ञानिक थे और इनका निधन हो गया है दोस्तों। ये कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक थे। याद रखिएगा ये कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक थे। पुस्तक रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया कोवर्ट ऑपरेशन किसने लिखी है? इसका सही आंसर है दोस्तों यतीश यादव, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों यतीश यादव ये एक जांच पड़ताल करने वाले पत्रकार व लेखक हैं। बंगस आवास मेला कहां आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों जम्मू कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा ये 2 दिवसीय मेला था और इसमें इस बार अनुच्छेद 370 के हटाए जाने का जश्न मनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अमेरिका का पहला अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों चार्ल्स क्यू ब्राउन, यानी कि ऑप्शन ए। टिकटॉक ने अपना पहला यूरोपियन डेटा सेंटर कहां खोलने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है दोस्तों आयरलैंड, यानी कि ऑप्शन ए। किस राज्य में शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना शुरू हुई है? इसका सही आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा जो लोग तेंदुपत्ते को जंगल से इकट्ठा करके लाते हैं उनके लिए है ये योजना। इस दोस्तों इस पत्ते का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है।
किस केंद्र शासित प्रदेश ने ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों दादर नागर हवेली, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक किसने लॉन्च की? इसका सही आंसर है दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत। याद रखिएगा, ये हमारे वर्तमान केंद्रीय जल मंत्री हैं दोस्तों। याद रखिएगा, केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, और इन्होंने वर्तमान केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के साथ मिलकर इस किताब को लॉन्च किया है। मनोज सिन्हा को किस राज्य का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू। उनके इस्तीफे के बाद उनकी जगह अब मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगस्त 2020 में सरली एन ग्रो का निधन हुआ, वे कौन थी? इसका सही आंसर है दोस्तों उपन्यासकार, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ये पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों प्रदीप जोशी, यानी कि ऑप्शन बी। बात करते हैं यूपीएससी की, तो इसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों इसकी स्थापना की गई 1926 में, मुख्यालय नई दिल्ली। याद रखिएगा, प्रदीप जोशी ने अरविंद सक्सेना का स्थान लिया है। किसे WTF स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? इसका सही आंसर है दोस्तों उपर्युक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, WTF स्पोर्ट्स ने भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर और पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना को WTF स्पोर्ट्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दोस्तों याद रखिएगा, सुरेश रैना अब इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, इसलिए मैंने इनको बोला पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुरेश रैना। याद रखिएगा, WTF एक स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है। किस पेमेंट बैंक ने दुकान बीमा शुरू करने के लिए भारतीय एक्सा के साथ समझौता किया? इसका सही आंसर है दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक, यानी कि ऑप्शन ए। भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन महाराष्ट्र के किस शहर से शुरू हुई है? इसका सही आंसर है दोस्तों देवलाली, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली से शुरू हुई है और ये बिहार के दानापुर तक चलेगी। कहां तक? दानापुर तक। किसने OHE निगरानी ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों भारतीय रेलवे, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, जो भी तकनीकी खामियों के कारण या खराबियों के कारण ट्रेन में देरी होती है या फिर जो आपको लंबा इंतजार करना होता है, उसे कम करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका सही आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इन्होंने राजीव महर्षि का स्थान लिया है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, यानी कि ऑप्शन सी। एक्सिम बैंक ने किस देश को 250 मिलियन USD का ऋण दिया है? इसका सही आंसर है दोस्तों मोजाम्बिक, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए है ये ऋण। बात करते हैं एक्सिम बैंक की, तो इसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कैश्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ये ऐप किसानों सहित हितकारों के लिए फसल की खेती, बाजार आंकड़ों एवं अनुसंधान से संबंधित जानकारी प्रदर्शित करेगा। किसे कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों हर्ष कुमार भनवाल, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, हर्ष कुमार भनवाल लगातार 6 साल तक नाबार्ड के अध्यक्ष रहे थे।
किसे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों हरदयाल प्रसाद को, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा ये एसबीआई कार्ड के पूर्व प्रमुख थे। याद रखिएगा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की टैगलाइन है घर की बात। किसे सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों पीएस रानी पसे, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा ये उड़ीसा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। बात करते हैं सीआरपीएफ की, तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, स्थापना 1939, मुख्यालय नई दिल्ली। पुस्तक अमेजिंग अयोध्या किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर है दोस्तों नीना राय, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा यह पुस्तक शहर के बारे में प्रमाणिक जानकारी प्रदान करेगी। अगस्त 2020 में मुकुंद लथ का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों इतिहासकार, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां खोला जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका सही आंसर है उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा इसे उत्तराखंड के उत्तराकाशी में खोला जाएगा। किस देश ने तुर्की के सांसद को अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है दोस्तों पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा पाकिस्तान दोनों देशों की मित्रता को बढ़ावा देने के लिए तुर्की के सांसद जिनका नाम है अली साहिन को ये पुरस्कार देगी। दोस्तों इस पुरस्कार का नाम है सितार ए कैद आजम। दोबारा रिपीट करता हूं, सितार ए कैद आजम। फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? इसका सही आंसर है दोस्तों एप्पल, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में एप्पल पहले स्थान पर रहा है। बात करें दूसरे स्थान की, तो दोस्तों दूसरा स्थान मिला है रिलायंस को, और सैमसंग इस सूचकांक में तीसरे स्थान पर रहा। बुक मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी किसने लिखी है? इसका सही आंसर है दोस्तों योगेंद्र यादव, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 400 बेड के कोविड-19 समर्पित अस्पताल का उद्घाटन कहां किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों नोएडा, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा इसे टाटा ट्रस्ट व बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से तैयार किया गया है। एलआईसी ने किस बैंक के 4.23% शेयर का अधिग्रहण किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यस बैंक, यानी कि ऑप्शन बी। बात करते हैं यस बैंक की, तो इसकी स्थापना की गई 2004 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। अगस्त 2020 में जेम्स कमाला हैरिस का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों रेसलर, यानी कि ऑप्शन बी। कहां सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ हुआ है? इसका सही आंसर है दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। याद रखिएगा 2300 किलोमीटर लंबी पनडुब्बी केवल बेहतर इंटरनेट व मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए इसका शुभारंभ किया गया है, और इसका शुभारंभ कहां किया गया है दोस्तों अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में, जिससे कि इंटरनेट व मोबाइल की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। फ्लिपकार्ट ने किस राज्य की ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा इसमें हर डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाएगा। किस देश ने पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की? इसका सही आंसर है दोस्तों मॉरिशस, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा अभी हाल ही में मॉरिशस ने पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों 202, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 202 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने
किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोलेगा? इसका सही आंसर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ये राज्य का पहला रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र होगा। किस आईआईटी ने स्वदेशी बीच गेंद विकसित की है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कानपुर, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा बीज गेंद, दोस्तों बीज गेंदों में देसी किस्म के बीज, खाद व मिट्टी शामिल हैं। इसमें पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोदने की आवश्यकता नहीं होगी। मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इसमें पुराने रेलवे स्टेशन भवन को संग्रहालय में बदल दिया गया है। किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दिया? इसका सही आंसर है दोस्तों लेबनान, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, लेबनान की राजधानी बेरूत में विशाल विस्फोट के कारण इस्तीफा इन्होंने दिया है। बात करते हैं लेबनान की, तो इसकी राजधानी है बेरूत और यहाँ की मुद्रा है लेबनानी पाउंड। COVID-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन बना? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका सही आंसर है रूस, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, रूस ने स्पुतनिक वी नाम की एक COVID-19 वैक्सीन को रजिस्टर यानी कि पंजीकृत किया है। मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल जिसका नाम है सुरक्षा का शुभारंभ किसने किया? इसका सही आंसर है दोस्तों हमारे वर्तमान पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। याद रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकरावों के निपटान, यानी कि उनके टकराव को रोकने निपटाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगस्त 2020 में मनी तोम्बी सिंह का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों फुटबॉलर, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, मनी तोम्बी सिंह ये भारत के पूर्व फुटबॉलर थे। किसने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों हमारी वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाल्टर रोजर मैट्रोस रुइस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों पेरू, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, वाल्टर रोजर मैट्रोस रुइस ये पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों बात करते हैं पेरू की, तो पेरू की राजधानी है लीमा और यहाँ की मुद्रा है पेरू सोल। 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? इसका सही आंसर है दोस्तों मैक्स वेरस्टैपेन, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, मैक्स वेरस्टैपेन ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। किसके? रेड बुल के। दोस्तों दूसरे स्थान पर रहे लुइस हैमिल्टन और तीसरा स्थान मिला वाल्टेरी बोटास को। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल किसने विकसित किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, अभी हाल ही में DIAL यानी कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयर सुविधा नामक एक नया वेब पोर्टल विकसित किया है। श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका सही आंसर है महिंद्रा राजपक्षे, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों, श्रीलंका की ये नए प्रधानमंत्री बने हैं और इनका नाम है महिंद्रा राजपक्षे। बात करते हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति की, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम है गोताबाया राजपक्षे। अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के छठी बार राष्ट्रपति चुने गए? इसका सही आंसर है दोस्तों बेलारूस, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के छठी बार राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों बात करते हैं बेलारूस की राजधानी की, तो इसकी राजधानी है मिंस्क और यहाँ की मुद्रा है बेलारूसी रूबल। किस राज्य ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इस नई योजना का लक्ष्य राज्य के वनस्पति को आत्मनिर्भर बनाना है। किसे सेल का अगला अध्यक्ष चुना गया?
सही आंसर है दोस्तों इसका सोमा मुंडल, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा सेल इसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना की गई दोस्तों 1954 में, मुख्यालय नई दिल्ली। बुक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग का विमोचन किसने किया? इसका सही आंसर है दोस्तों हमारे वर्तमान केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। दोस्तों याद रखिएगा यह पुस्तक उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के 3 साल का कार्यकाल के बारे में बताती है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? इसका सही आंसर है दोस्तों गुजरात, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा इस योजना की घोषणा वर्तमान खरीफ सीजन के मद्देनजर की गई। ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका सही आंसर है मुंबई, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा मुंबई का दादर ट्रैफिक सिग्नल पर महिलाओं के प्रतीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। किसने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों पेटीएम, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा पेटीएम दोस्तों, पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। इसकी स्थापना की गई 2010 में, मुख्यालय नोएडा। वीरेंद्र पॉल को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों केन्या, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2020 में पी के मुथुसामी का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों गीतकार, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा ये तमिल फिल्मों के गीतकार थे। किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों बिहार, यानी कि ऑप्शन डी। किस देश ने एम्स दिल्ली के साथ AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक साझा की है? सही आंसर है दोस्तों इसका इजराइल, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा ये COVID-19 महामारी से लड़ने के लिए चल रहे इजराइल भारत सहयोग का एक हिस्सा है। कौन जुवेंटस मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाली स्ट्राइकर हैं। किस राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है? सही आंसर है दोस्तों इसका पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा इस योजना के तहत 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें नर्म ऋण व सब्सिडी प्रदान की जाएगी। फॉर्ब्स पत्रिका की 2020 के सबसे अधिक कमाई करने वाले एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे? इसका सही आंसर है दोस्तों ड्वेन जॉनसन, यानी कि ऑप्शन ए। या कहेगा आप इन्हें रेसलर द रॉक के नाम से अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों इस सूची में अक्षय कुमार 6ठे स्थान पर रहे हैं और वे इकलौते भारतीय हैं जो इस सूची में हैं। अगस्त 2020 में GK मेनन का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है दोस्तों इसका पत्रकार, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा ये वरिष्ठ खेल पत्रकार थे। इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया में भी काम किया। कौन ICER के नए अध्यक्ष बने हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों प्रमोद भासीन, यानी कि ऑप्शन सी। किस राज्य सरकार ने YSR चेयूथा योजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा इस योजना के तहत 45 से 60 वर्ष की आयु वर्ग में SC ST BC अल्पसंख्यकों से संभावित लगभग 23 लाख महिलाओं को 4 वर्षों की अवधि के लिए 18,750 रुपये प्रति वर्ष प्राप्त होंगे, जिसका कुल योग 75,000 रुपये होगा दोस्तों, जिससे ये लोग स्थायी जीविका सुनिश्चित कर सकें। इसलिए इस योजना की शुरुआत की है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। गृह मंत्रालय ने कितने पुलिस कर्मियों को मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिंग से सम्मानित किया? इसका सही आंसर है दोस्तों 121, यानी कि ऑप्शन बी। किसने पॉजिटिव पे नामक सुविधा शुरू की?
इसका सही आंसर है दोस्तों आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों याद रखिएगा 50,000 रुपए या उससे अधिक मूल्य के सभी चेक को वेरीफाई करने के लिए इस सुविधा को शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है दोस्तों असम यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत। दोस्तों पर मंथ हर परिवार को 830 रुपए दिए जाएंगे। किस राज्य के मोयरा केला हरमल मिर्च और खाजे ने जीआई टैग प्राप्त किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों गोवा यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा दोस्तों खाजे गोवा के पारंपरिक त्योहार की एक मिठाई है। किसने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों इजराइल यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल का इसका नाम है इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है इजराइल ने। कौन इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों एसएस मुंद्रा यानी कि ऑप्शन बी। अगस्त 2020 में चुनाकाकरा रामनकुट्टी का निधन हुआ वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों गीतकार यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा ये मलयालम गीतकार थे। किस राज्य में 2 फ्लाईओवर का नाम सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है? सही आंसर है दोस्तों इसका गुजरात यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा गुजरात में 2 फ्लाईओवर ब्रिज के नाम सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के नाम पर रखे गए हैं। किस देश की क्रिकेटर लोरा मार्स ने संन्यास की घोषणा की? सही आंसर है दोस्तों इसका इंग्लैंड यानी कि ऑप्शन ए। किसने श्री जन पोर्टल लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों जो कि वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है जो विक्रेताओं को स्वदेशीकरण के लिए सामान लाने की सुविधा प्रदान करेगा। कौन सा राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्रों के संचालन में शीर्ष स्थान पर रहा? इसका सही आंसर है दोस्तों पंजाब यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों इस योजना को 2019 में राज्य में शुरू किया गया था। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा? इसका सही आंसर है दोस्तों जामिया मिलिया विश्वविद्यालय यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा राजीव गांधी विश्वविद्यालय दूसरे स्थान पर रहा, साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU तीसरे स्थान पर रहा है। बात करते हैं शिक्षा मंत्रालय की, तो दोस्तों शिक्षा मंत्रालय का पहले नाम था MHRD यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय। दोस्तों शिक्षा मंत्री हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। किसने महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों दिनेश के त्रिपाठी यानी कि ऑप्शन बी। किसे गो एयर ने अपना नया CEO नियुक्त किया? सही आंसर है दोस्तों इसका कौशिक खोना यानी कि ऑप्शन बी। किसने प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की? इसका सही आंसर है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा इसमें देश की नदियों व महासागरों में डॉल्फिन के संरक्षण व सुरक्षा के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की घोषणा की है नरेंद्र मोदी जी ने। किस IIT ने कमरा कीटाणुनाशक उपकरण विकसित किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों IIT रोपण यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा इसके द्वारा सतह व दूषित वातावरण को साफ किया जा सकता है। विक्रम दुरई स्वामी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों बांग्लादेश यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा वे शिव गांगुली दास की जगह लेंगे। किस भारतीय खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? इसका सही आंसर है दोस्तों उपर्युक्त दोनों यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी इन दोनों ने ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। किसने इलेक्ट्रॉनिक्स मास्क बनाए हैं?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका सही आंसर है जादवपुर विश्वविद्यालय। दोस्तों बात करते हैं हम इस मास्क की, तो याद रखिएगा ये जो मास्क बनाया गया है इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड यानी कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो जाता है जो वायरस को नष्ट कर देता है। किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन वितरण योजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है दोस्तों पंजाब, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा इस योजना का नाम है पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम। किसने? केंद्र सरकार ने कोविड 19 के लिए वैक्सीन प्रबंधन पर किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय विशेषज्ञों के समूह का गठन किया? इसका सही आंसर है दोस्तों वी के पॉल, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा वी के पॉल ये नीति आयोग के सदस्य हैं। बुक अवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों दलाई लामा, यानी कि ऑप्शन ए। किस बैंक ने केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड समीक्षा विकल्प पेश किया है? सही आंसर है दोस्तों इसका SBI, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा SBI ने अपने डिजिटल कृषि समाधान मंच योनो कृषि पर इस समीक्षा विकल्प को पेश किया है। किसने खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म पुरस्कार जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों नितिन सेठी, यानी कि ऑप्शन बी। किसे ई बाइक गो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका सही आंसर है हरभजन सिंह, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा पूर्व भारतीय स्पिनर हैं हरभजन सिंह और इन्हें ई बाइक गो ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दोस्तों ई बाइक गो ये एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप है, ये किराए पर इलेक्ट्रिक बाइक को देता है। पुस्तक कोरोना कविता काल के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका सही आंसर है P.S. श्रीधरन पिल्लई, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा P.S. श्रीधरन पिल्लई ये वर्तमान में मिजोरम के राज्यपाल हैं। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कहां कर रहा है? इसका सही आंसर है दोस्तों मणिपुर, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा मणिपुर में इजई नदी के पार इस पुल को बनाया जा रहा है, इसकी ऊंचाई 141 मीटर होगी। पारसी नववर्ष नवरोज कब मनाया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों 16 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा इसे ईरानी कैलेंडर की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों दुनिया भर में ईरानी बा पारसी समुदाय के द्वारा इस पर्व को मनाया जाता है। अगस्त 2020 में चेतन चौहान का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है दोस्तों इसका क्रिकेटर, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा ये अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित थे। बायोफार्मा विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन कहां हुआ है? सही आंसर है दोस्तों इसका पुणे, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा ये बायोफार्मास्यूटिकल बनाने वाले व निर्माताओं को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करेगा। किस बैंक ने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए सौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया? सही आंसर है दोस्तों इसका HDFC बैंक, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा यह कार्ड अर्धसैनिक कर्मियों के परिवार की कृषि जरूरतों यानी कि ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। बात करते हैं HDFC बैंक की, तो उसकी स्थापना की गई 1994 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। ब्रिक्स एंट्री ड्रग वर्किंग ग्रुप में चौथी बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इसका सही आंसर है दोस्तों रूस, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया। किसने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की है? इसका सही आंसर है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। याद रखिएगा इसके तहत दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक ट्रांस नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होगा। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाए अभियान को शुरू किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों PNB, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों याद रखिएगा पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाए अभियान को शुरू किया है।
किसने फॉर्मूला वन स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती? इसका सही आंसर है दोस्तों लुइस हैमिल्टन, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। दोस्तों यह सीजन की उनकी चौथी जीत है और पूरे कैरियर की 88वीं जीत है। सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों मेघालय, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा इससे पहले ये गोवा के राज्यपाल थे। दोस्तों याद रखिएगा महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई? इसका सही आंसर है दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। दोस्तों यह एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश को राजस्थान से जोड़ेगा। किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों जनजातीय मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा जनजातियों के स्वास्थ्य व पोषण के लिए है ये पोर्टल, जिसका नाम है स्वास्थ्य पोर्टल। अगस्त 2020 में पंडित जसराज का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों गायक, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा ये एक शास्त्रीय गायक थे। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण से नवाजा गया था। किसे सेवी ने अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों जेपी गर्ग, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा सेवी, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पुस्तक फुल स्पेक्ट्रम इंडियास वॉर्स 1972-2020 किसने लिखी है? इसका सही आंसर है दोस्तों अर्जुन सुब्रमण्यम, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा अर्जुन सुब्रमण्यम ये एक सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड एयर वॉइस मार्शल हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजना के लिए किसे चुना? इसका सही आंसर है दोस्तों ईटानगर, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है और इसके तहत पूरे देश में 200 शहरी वन बनाए जाएंगे। किसे ओकले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही आंसर है दोस्तों भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा को। याद रखिएगा दोस्तों ओकले ये स्पोर्ट्स आईवियर की एक कंपनी है। किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तोहार पारा योजना शुरू की है? इसका सही आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा यह योजना छात्रों को कोरोना के समय में अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी। किसे बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों राकेश अस्थाना, यानी कि ऑप्शन सी। बात करते हैं बीएसएफ की तो इसका फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। दोस्तों इसकी स्थापना की गई 1965 में, मुख्यालय नई दिल्ली। दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा, अच्छा लगेगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।